बकाने धान की प्रमुख समस्या है। यह रोग नर्सरी में और ट्रांसप्लांटिंग के बाद भी बालियां बनने तक दिखाई देती है। इस रोग में नर्सरी में पौधे सामान्य से अधिक लंबे, पीले और पतले दिखाई देते हैं और ट्रांसप्लांटिंग के बाद अगर हम खेत में देखते हैं तो लंबे, पीले, पतले पौधे दिखाई देते हैं। ऐसे पौधों में दोजियां कम बनती हैं और ये पौधे बाद में सूख जाते हैं। बाद की अवस्था में अगर ऐसे पौधे जीवित भी बचे रहते हैं तो इनमें बालियां नहीं बनती है। बकाने रोग का नियंत्रण हम बीज शोधन और सीडलिंग ट्रीटमेंट के द्वारा कर सकते हैं। अभी जहाँ पर भी किसान भाई पछेती किस्म की बिजाई कर रहे हैं वो बीज शोधन जरूर करें। बकाने का सीड ट्रीटमेंट के लिए पहले तो जो आप बीज को नमक पानी में एक बार निकाल लें। इसके लिए 20 लीटर पानी में 150 ग्राम नमक का घोल बनाकर उसमें बीज को रखें, उनको अच्छे से हिलाएं और उसके बाद हल्के पतले बीज ऊपर आ जाएंगे, आप उनको निकाल लें और जो नीचे बचे हुए बीज को अच्छे से पानी से धो लें और उसमें कार्बन डाइजीम 50% WP जो कि बेविस्टिन के नाम से भी आता है, इसका 2 ग्राम प्रति लीटर पानी की दर से घोल बनाकर आप बीज को उसमें 24 घंटे तक रखें और उसके बाद बिजाई करें। और ट्रांसप्लांटिंग से पहले भी आप इसका पौध उपचार कर सकते हैं। इसके लिए आप जो पौध को निकाल कर आपको कार्बन डाइजीम 50% WP का जो 1 ग्राम प्रति लीटर पानी से या टेबुकोनाजोल प्लस ट्राइफ्लोक्सीस्ट्रोबिन 75 WG जो कि नेटिवो के नाम से भी बाज़ार में उपलब्ध है, इसका घोल बनाकर आप उसमें जो पौध को आप 12 घंटे तक रखें और उसके बाद उनकी रोपाई कर दें। अगर बाद की अवस्था में भी खेत में अगर आपके खेत में दिखाई दे रहा है बकाने रोग और आपके पास अभी नर्सरी है तो आप वहाँ गैप फिलिंग कर सकते हैं। गैप फिलिंग के लिए जैसे कि मैंने बताया आप कार्बन डाइजीम या नेटिवो के आप सॉल्यूशन में पौध को 12 घंटे तक उपचारित करें और उसके बाद वहाँ पर आप उसको ट्रांसप्लांटिंग कर दें। दूसरी जो प्रमुख समस्या है धान की वो बैक्टीरियल ब्लाइट है, हम उसको जीवाणु झुलसा भी कहते हैं। यह रोग दो अवस्था में दिखा जा सकता है। पहला है कृषक अवस्था। कृषक अवस्था जो है नर्सरी से ट्रांसप्लांटिंग के कुछ दिन बाद तक दिखाई देता है और इसमें पौधा जो है नीचे की ओर झुक जाता है, पत्तियां पीले या पुआल के रंग के हो जाती हैं और बाद की अवस्था में ऐसे पौधे मर भी जाते हैं। दूसरा जो इसका लक्षण है वो पर्ण झुलसा है। इसमें पत्तियों के सिरे पर जलसिक्त धब्बे बनते हैं, ये पीले या पुआल के रंग के होते हैं जो लहरदार होकर किनारों से आगे की ओर बढ़ते हैं। अगर आपको खेत में ऐसे लक्षण दिखाई देते हैं तो आप जो है स्ट्रेप्टोसाइक्लिन जो 100 ppm 100 mg जो है 100 लीटर पानी में आप उसका घोल बनाकर उपयोग कर सकते हैं और 10 से 12 दिन के उपरांत आप कॉपर ऑक्सीक्लोराइड का 2.5 ग्राम प्रति लीटर पानी की दर से भी छिड़काव कर सकते हैं।